अब माउस को भी फेंक दीजिए और कीबोर्ड को फेंक दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, कीबोर्ड को तो आपको रखना है, क्योंकि आज मैं आपको 15 शॉर्टकट की ऐसी बताने वाला हूं जो कि आपके कंप्यूटर चलाने के तरीकों को ही बदल देगी। क्योंकि ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और आप कहीं पर भी चले जाइए, ये कॉमन शॉर्टकट की है। अगर आपने ये शॉर्टकट की सीख लिया तो आप कंप्यूटर में माहिर बन जाओगे। अगर आप भी बनना चाहते हो माहिर, तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे हम जान लेते हैं फर्स्ट शॉर्टकट की। फर्स्ट शॉर्टकट की मैं आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ आप एन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ कंट्रोल के साथ एन प्रेस। ठीक है, जैसे मैंने एन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास देखिए एक न्यू पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर एक ही पेज था ये वाला, पर यहाँ पर एक और पेज ओपन हो चुका है। तो ये शॉर्टकट की भी बहुत शानदार हमारी। ठीक है, और सेकंड की आती है ओपन। ठीक है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ आती है हमारी ओपन करने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किए हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किए आप उनको इजिली ओपन कर पाओगे। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पर जाना है। ठीक है, फाइल पर नहीं जाना है, हम शॉर्टकट की जान रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है, तो ओ में प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं ओ प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारी बहुत सारी जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बनाया है वो सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं शॉर्टकट की ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, मैं इस चैनल पे बहुत सारी शॉर्टकट की शानदार शानदार दिखाता रहता हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो एक से एक शॉर्टकट की, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम किसी भी शॉर्टकट की से फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली हम जान लेते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा बना हुआ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैंने एस प्रेस किया, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। ठीक है, और सेव कहाँ पर, जहां पर भी हमको सेव करना है वहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर पर सेव करूंगा, ब्राउजर पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, हो सकता है आपका विंडो 7 हो या फिर 10 हो, ठीक है, तो उसमें अलग फीचर है। ये हमारा विंडो 11 के लिए है। ठीक है, पर वहां पर भी जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन विंडो आ जाएगी आपके सेव के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो उस नाम से सिंपल सा सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, दिलीप। ठीक है, और दिलीप ले लिया मैंने, सिंपल सा सेव पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम आ चुका है हमारा दिलीप। ठीक है, तो फ्रेंड ऐसे आप सेव कर सकते हो। अगर आपको इसको प्रिंट देना है तो प्रिंट भी आसानी से दे सकते हो, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने जैसे पी प्रेस किया वैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉपीज लिखा रहा है, यहाँ से हमको जितनी भी प्रिंट देना है उतनी कॉपीज पे प्रेस करेंगे हम। ठीक है, 4 देना है तो 4 प्रेस करेंगे, और जब प्रिंट होकर आएगा तो हमारा विंडो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट ऑल पेज पे सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम पेजेस लिख लेते हैं, कितने पेजेस हमको प्रिंट करना है, 4 करना है तो 4 कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी कंडीशन रहती है, अगर आप भी सीखना चाहते हो ये कंडीशन तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, पर आपको सिंपल सा अभी प्रिंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सेव विंडो आएगा। ठीक है, जो भी आपका आउटपुट है वो सेव के लिए आएगा, पर जैसे आपका प्रिंटर रहेगा वहां से धड़ाधड़ हमारी कॉपीज निकलने लगेगी। ठीक है, ऐसे आप सेव कर सकते हो। अगली देख लेते हैं हम कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी से हम किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये डाटा है हमारा, ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, माउस से सिलेक्ट कर लेना आप, और कंट्रोल सी किया मैंने। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्यूमेंट वो हमारा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, वो हमारा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम कंट्रोल वी का। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और जहां पर भी उस डाटा को हमको लाना होता है कंट्रोल वी से वहां पर हम ला सकते हैं। ठीक है, और हम किसी भी डाटा को कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मानू यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके न्यू डॉक्यूमेंट को मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये मेरा कट हो जाएगा। ठीक है,
कट होने के बाद अगर मैं जहां पर भी इसको चाहता हूं वहां पर वापस ला सकता हूं, ठीक है। तो वापस लाने के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो कंट्रोल वी प्रेस करूंगा जहां पर भी लाना चाहता हूं वहां पर, ठीक है। तो उस स्थान से कट हो जाएगा और इस स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप, बहुत शानदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप कॉपी करते हो, कट कर करते हो, उसको वापस आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अंडू, ठीक है। अंडू से क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ से कुछ हटाया था, ठीक है, यहाँ से कुछ हटाया था मैंने, तो कंट्रोल जेड करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से मैंने हटाया था, अगर कंट्रोल जो भी डाटा आपके पास से हट चुका है अगर उसको वापस लाना चाहते हो, ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, हटाने के बाद वापस लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि वापस चला जाए तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल वाई किस लिए प्रेस करेंगे, रीडू के लिए, ठीक है। जो भी चीज हमने कंट्रोल जेड से लाई थी उसको वापस रिडू कर सकते हैं हम कंट्रोल वाई से, ठीक है। वापस कंट्रोल वाई से हम रिडू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो चीज अंडो से हम लाते हैं, ठीक है, और रिडू से जो भी चीज हम लाए थे उसको हम सिंपल सा रिडू से फिर वापस भेज देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से हम ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका पूरा ही पेज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ही पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करोगे तो यहाँ पे आप सिंपल से जो भी आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप ढूंढना चाहते हो यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि रिप्लेस कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या देखना चाहता हूँ मैं, रिप्लेस कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिप्लेस, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड रिप्लेस पे इसने क्लिक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस आ चुका है, हमारा हाईलाइट हो चुका है। मतलब अगर आपके 10-20 पेज अगर वहां से आप कुछ ढूंढना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर बता देगा कि कहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्यादा स्थान पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो सेकंड वाला रिप्लेस बता देगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला नहीं है, एक ही रिप्लेस है, ठीक है। तो कंट्रोल एफ भी आपके लिए बहुत ही शानदार शॉर्टकट की है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, ठीके? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ दिलीप, ठीक है, दिलीप लिखा मैंने। अब दिलीप को मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, दिलीप को मैंने फाइंड किया तो ये देखिए दिलीप आ चुका है। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको कंट्रोल एच से, हम चाहते हैं कि दिलीप के स्थान पर और कुछ आ जाए, ठीक है, तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करें हम, कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच में प्रेस कर देता हूं। यहां पे कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो यहां पे देखिए फाइंड व्हाट हमने फाइंड किया था, इसके स्थान पर हम क्या लाना चाहते हैं, जो भी लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुष्पत कंप्यूटर, ठीक है। अगर पुष्पत कंप्यूटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पे आपको क्लिक कर देना, यहाँ पे देखिए दिलीप के स्थान पे हमारा पुष्पत कंप्यूटर आ चुका है, ठीक है। इसमें आगे और देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी बोल्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना हो तो इसको सिंपल सा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल बी जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए बोल्ड हो रहा है हमारा, ठीक है, बोल्ड हो चुका है, वाव शानदार, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है जरा सा तिरछा करना किसी फॉन्ट को। अगर आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करोगे तो ये जरा सा तिरछा हो जाएगा, मतलब इटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 15 वाली शॉर्टकट की देख लेते हैं, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो कंट्रोल यू प्रेस करना है आपको, जैसे कंट्रोल यू प्रेस करोगे वैसे ही यहाँ पे हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये 15 शॉर्टकट की कैसी लगी, और आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, तभी आप जल्दी जल्दी सीख पाओगे। और आप इन शॉर्टकट की को एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेल, नोटपैड कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट की हमारी कॉमन शॉर्टकट की है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।